बच्चों, आज हमारी डाउट क्लास है और आज हम जो बच्चों के डाउट्स थे वो डाउट्स लेंगे। सबसे पहले हम नंदिनी के डाउट ले रहे हैं। तो नंदिनी ने मेरे को क्वेश्चन भेजा हुआ था कि सर ये बता दीजिए मुझे। क्वेश्चन है, हाउ डेड वन एंड ओनली वन आउट ऑफ एन एन कॉमा एन प्लस टू और एन प्लस फोर इज़ डिविजिबल बाय थ्री वेयर एन इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें बोला गया है कि इसमें से केवल एक, ठीक है, चाहे वो n n प्लस टू और n प्लस फोर में से किसी में से भी एक इज़ डिविजिबल बाय थ्री, वो थ्री से डिविजिबल होगा, जहाँ पे थ्री एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं हम डिविजन लेमा थ्योरम, ठीक है, या यूक्लिड्स डिविजन लेमा थ्योरम। तो उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। उससे पहले हम लोग, हाँ बेटा देख लिया मैंने, तो सबसे पहले लिखते हैं लेट एन एंड ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर, ठीक है, देन बाय यूक्लिड्स लेमा थ्योरम या डिविजन एल्गोरिथम, बी इक्वल्स टू ए क्यू प्लस आर, वेयर यहाँ पे जो आर है वो ज़ीरो से बड़ा या इक्वल बट ए से छोटा होता है। तो इतना काम तो हम हर टाइप के जितने भी ये क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें ये प्रूफ करना होता है कि वन एंड ओनली वन या फिर एन प्लस टू और थ्री या थ्री क्यू प्लस एन इज़ डिविजिबल बाय थ्री, तो हर एक टाइप के क्वेश्चन में हम इतनी स्टेटमेंट तो बिल्कुल सेम लिखते हैं। यहाँ पे इवन हम लोग एन की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, ए और बी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। हम यहाँ पे लेट करते हैं, लेट जो बी है वो एन के इक्वल है, ठीक है, जो बी है यहाँ पर वो किसके इक्वल है, एन के। बी एन के इक्वल है एंड जो यहाँ पर हमारे पास ए है वो थ्री के इक्वल है, क्योंकि हम थ्री से डिविजिबल कर रहे हैं ना, तो बेटा ए हमारा डिवाइज़र होता है, तो डिवाइज़र हो गया हमारा थ्री। तो आर क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा क्या, ज़ीरो वन टू, है ना, आर डिवाइज़र से छोटा होता है। तो डिवाइज़र जैसे थ्री है तो आर क्या होता है, ज़ीरो या उससे बड़ा बट डिवाइज़र से छोटा, तो डिवाइज़र थ्री है तो आर हो जाएगा ज़ीरो वन टू। अभी ये हम वैल्यू ना यहाँ पे पुट करने वाले हैं, इसमें इसको वन बना लो इक्वेशन, देन पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी ये वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी तो ये आ गया हमारा n इक्वल्स टू, सबसे पहले हम ज़ीरो पुट करेंगे, तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू क्यू प्लस ज़ीरो, फिर n इक्वल्स टू हो जाएगा 1 पुट करेंगे जब रिमाइंडर 3 क्यू प्लस 1, फिर n इक्वल्स टू हो जाएगा जब रिमाइंडर 2 पुट करेंगे तो 3 क्यू प्लस 2, ठीक है। मैंने पूरे के लिए एक ही बार में लिख दिया, जैसे पहले आप लिखते पुट r इक्वल्स टू 0 इन 1, फिर r इक्वल्स टू 1 इन 1, फिर 2 इन 1, तो मैंने एक ही बार में सबको कर दिया, ठीक है ना। आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है ना सबको, एक बार मुझे बता दीजिए अगर आवाज़ आ रही है तो। यस सर। ठीक है ना बेटा, तो समझ में आ गया। बेटा 4 से ज़्यादा कैसे रख लेंगे ना, यहाँ पे 3 से डिवाइड करना है हम लोगों को। वो क्वेश्चन आप देखते जाओ, अभी क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट, ठीक है। तो अभी हम लोगों से बोला गया है इस क्वेश्चन में
कि हमें प्रूफ करना है कि इन तीनों में से कोई एक जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखा एन इक्वल्स टू है केस वन, तो अभी हम लेते हैं केस वन या केस फर्स्ट, जहाँ पर हमारे पास है एन इक्वल्स टू 3q है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एन की वैल्यू 3q है, मतलब एन 3q के इक्वल है, तो 3 × q, तो एन की जो भी वैल्यू होगी उसमें 3 एक फैक्टर होगा, क्योंकि 3 मल्टीपल है क्यू का, है ना। तो चाहे अब यहाँ पे क्यू कुछ भी हो, 4 भी हो, तो 4 × 3 = 12, तो जो भी वैल्यू आएगी एन की वो 3 से डिविजिबल होगी होगी, क्योंकि 3 उसका फैक्टर है। डेट मीन्स यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3, है ना। आपको भी पता है क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग देख रहे हैं एन इक्वल्स टू 3q, तो 3 × q, q की वैल्यू चाहे बेटा कुछ भी हो, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल होगा, तो n भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो n इक्वल्स टू 3q 3 से डिविजिबल होगा। तो ये केस वन था। अभी हमारे पास देखो दूसरी वैल्यू क्या है, एन प्लस टू, दूसरी वैल्यू है हमारे पास एन प्लस टू। तो अगर मुझे यहाँ पे एन प्लस टू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इधर की तरफ टू ऐड करूँगा, तो जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूँगा वही राइट हैंड साइड में करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अगर टू ऐड किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो वही मैं राइट हैंड साइड में भी करूँगा, तभी तो बैलेंस होती है। देखो टू को आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो सब्ट्रैक्ट होके ख़त्म हो जाएगा, तो ये बैलेंस इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या किया, टू इस तरफ ऐड किया। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ गया एन प्लस टू इक्वल टू 3q + 2। अब बेटा 3q, क्यू की वैल्यू कुछ भी रखो, आप अपनी तरफ से टू क्यू की वैल्यू रख दो आप 6, कुछ भी रख सकते हो, तो 3 × 6 होता है हमारा 18, एंड 18 + 2 = 20, मतलब एक ऑड नंबर में अगर मैं टू ऐड करूँगा ना 3 के टेबल, जो 3 का मल्टीपल हो वो ऑड नंबर, उसमें अगर मैं 2 ऐड करूँगा तो जो भी नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। लाइक आप जैसे 3 × q की वैल्यू 9 लेते हो तो 27 हो गया, बट 9 में अगर आप 2 ऐड करोगे तो 29 होगा। ऐसी आप कोई भी वैल्यू ले लो, 3 की यहाँ पे 8 ले लो तो ये 24 होगा, 24 में 2 ऐड करो 26, मतलब जो भी नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। आप देखो यहाँ पे 29, इसको 3 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर बचेगा, 26 को 3 से डिवाइड करो 2 रिमाइंडर बचेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3q + 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एज रिमाइंडर इज 2, है ना, क्योंकि रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आया। नाउ हमारे पास था एन प्लस फोर, तो अब हम लेंगे एन प्लस फोर। तो बेटा अगर मुझे यहाँ पे 4 चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगा 4 ऐड करूँगा, है ना। तो जो मैं लेफ्ट हैंड साइड में करूँगा वही मैं राइट हैंड साइड में भी करूँगा, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 3q + 4, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि 3q + 4 या एन प्लस फोर 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो मैं इसको यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे लिख लिया 3 + 1, ऐसा क्यों किया, ताकि 3 कॉमन आ जाए, ठीक है। तो इन दोनों में से 3 आ गया कॉमन, तो यहाँ से बचा q + 1 + 1, है ना, ये इन दोनों में लिया है बस केवल कॉमन। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये जो भी वैल्यू होगी अंदर की तरफ उसके आगे 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, डेट मीन्स वो वैल्यू 3 से डिविजिबल होगी ही होगी, जो भी वैल्यू रख लो आप, चाहे यहाँ पे क्यू की जगह 2 रखो तो 2 + 1 = 3, 3 × 3 = 9, क्यू की जगह 4 रखो 4 + 1 = 5, 5 × 3 = 15, बट 15 में या क्यू की मतलब इस पूरे फ्रैक्शन फंक्शन की किसी भी वैल्यू में 1 ऐड करोगे तो वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चाहे आप देख लो क्यू की जगह पे आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख लो, आप कहते हो 17, तो मैंने 17 रख लिया, तो 17 + 1 + 1, तो 18 × 3 = 54 + 1, ठीक है, 54 + 1 क्या होगा 55, तो 55 3 से डिविजिबल थोड़ी ना होता है ना। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये 3 से डिविजिबल है, बट ये रिमाइंडर जो बच रहा है यहाँ पर 1, इसकी वजह से 3 से डिविजिबल नहीं हो पा रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको कि 3q + 4 इज नॉट डिविजिबल
बाय थ्री एज रिमाइंडर इज वन। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा केस वन में हमने इसके लिए सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे दिखा दिया कि एन प्लस जब एन इक्वल्स टू थ्री क्यू होता है तब तो वो थ्री से डिविजिबल होता है, बट जब एन इक्वल्स टू या एन प्लस टू होगा वो हो गया थ्री क्यू प्लस टू, वो थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। जब एन प्लस फोर होगा वो हो जाएगा थ्री क्यू प्लस फोर, वो भी थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट केस में तो टू रिमाइंडर बच रहा है एंड सेकेंड केस में वन रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए थ्री से डिविजिबल नहीं हो सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयर फोर, देयर फोर ओनली वन आउट ऑफ एन कॉमा एन प्लस टू कॉमा एन प्लस फोर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, तो तीनों में से केवल एक ही थ्री से डिविजिबल होगा, डेट इज क्या, एन, है ना। यहाँ पे क्लियरली फर्स्ट वाले रिजल्ट से आपको पता चल रहा होगा एन इक्वल्स टू थ्री क्यू था तो वही थ्री से डिविजिबल था और उसके अलावा कोई भी थ्री से डिविजिबल नहीं हुए। तो ये था हमारा केस वन बेटा। अभी हमारे पास दो केस और बचे हैं, कौन कौन से केस बचे हैं, आप केस टू देखो। आप केस टू में हमारे पास क्या है बेटा, केस टू है हमारे पास एन इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस वन, ये केस वन था, इसके लिए केस वन बना था, इसके लिए केस टू और इसके लिए केस थ्री बनेगा। तो अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है एन इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस वन, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एन इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस वन है, डेट मीन्स कि थ्री की क्यू से मल्टीप्लाई होगी, चाहे क्यू कोई भी वैल्यू हो, तो वो नंबर जो भी आएगा वो थ्री से डिविजिबल होगा, बट जब उसमें वन में ऐड करूँगा तो वो थ्री से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, थ्री क्यू प्लस वन इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री एज रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर इज वन, यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है क्या, वन। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, एन प्लस वन, है ना, इसके लिए भी तीन केस बनाएंगे, वही एन प्लस टू चाहिए, तो इधर भी टू ऐड करूँगा और इधर भी टू ऐड करूँगा। तो जैसे ही मैंने इधर की तरफ टू ऐड किया ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थ्री क्यू प्लस थ्री हो गया। अब मैं इसमें से अगर थ्री कॉमन ले लूँ और क्यू प्लस वन ब्रैकेट के अंदर बच गया, तो क्यू चाहे कुछ भी हो, क्यू चाहे कुछ भी हो, ये पूरा नंबर थ्री से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि थ्री के पूरे के साथ इन टू हो रही है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्यू की वैल्यू कुछ भी रखो, फोर रखो, फोर प्लस वन फाइव, फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, तो थ्री से हो गया डिविजिबल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, थ्री क्यू प्लस वन प्लस टू, या फिर डायरेक्टली लिख दो थ्री क्यू प्लस थ्री, ठीक है, इज डिविजिबल बाय थ्री, इज डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, फिर उसके बाद ये फर्स्ट, ये सेकंड, एंड उसके बाद थर्ड के लिए अब हमें चाहिए फोर, तो एन प्लस फोर, तो मैंने जो लेफ्ट में किया वही मैं राइट में भी करूँगा, यहाँ भी हो गया फोर। तो जैसे इधर फोर हुआ तो एन प्लस फोर, तो मैंने फोर का टू तो इसमें दे दिया है ना, फोर को मैं क्या लिख सकता हूँ, टू प्लस टू लिख सकता हूँ ना, तो जैसे ही मैंने टू प्लस टू लिखा तो ये हो गया हमारा वन प्लस टू थ्री प्लस टू। अब इसमें से मैंने थ्री कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा क्यू प्लस वन प्लस टू, तो ये तो थ्री से डिविजिबल हो जाएगा, बट टू क्या बच जाएगा, रिमाइंडर। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, थ्री क्यू प्लस वन प्लस फोर इज नॉट डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है, इज़ नॉट डिविजिबल बाय थ्री। ठीक है, तो बाय अबाउ रिजल्ट वी कैन से डेट ओनली वन आउट ऑफ थ्री क्यू प्लस आउट ऑफ एन कॉमा एन प्लस टू और कॉमा एन प्लस फोर इज डिविजल बाय थ्री। तो ये केस टू हो गया, अब ऐसे ही केस थ्री बना लेना। तो ये तीनों केस बना के आप इसको कर सकते हो, ठीक है, केस थर्ड। तो केस थर्ड क्या हो जाएगा हमारा, एन इक्वल्स टू थ्री क्यू प्लस टू, आई थिंक यही तो था हमारा केस थर्ड। तो इसके लिए अब केस थर्ड हो जाएगा, जो लास्ट में था ना हमारे वैल्यू ये वाली,
तो मतलब हर एक केस के लिए आप देख पा रहे हो कि केवल तीनों में से एक ही वैल्यू जो है वो थ्री से डिविजिबल हो रही है, चाहे वो फर्स्ट वाली है हो या सेकंड वाली हो या थर्ड वाली हो, ठीक है, हर केस के लिए आप देख पा रहे हो। जैसे हमने फर्स्ट केस के लिए लिया था तो तीनों में से केवल एक ही डिविजिबल हो रहा था, सेकेंड केस में भी यही हो रहा है कि तीनों में से केवल एक ही डिविजिबल हो रहा है इन तीनों में से, है ना। अब थर्ड वाले केस में भी क्या होगा, केवल उन तीनों में से जो भी है एक ही डिविजिबल होगा। तो फिर आप क्या कह सकते हो, बाय अबाउ रिजल्ट वी कैन से डेट ओनली वन आउट ऑफ एन कॉमा एन प्लस टू कॉमा एन प्लस फोर इज़ डिविजिबल बाय थ्री। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बेटा कि देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि एन इक्वल्स टू थ्री क्यों डिविजिबल हुआ था, मतलब एन डिविजिबल हुआ था थ्री से। सेकेंड केस में आप देख पा रहे हो बेटा कि एन प्लस टू डिविजिबल हुआ है, और थर्ड केस में क्या आएगा, एन प्लस फोर डिविजिबल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग, ये तीनों रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इन तीनों केसेस में से एन कॉमा एन प्लस टू या एन प्लस फोर में से केवल एक बार में एक ही डिविजिबल होगा थ्री से, ठीक है। और यही हमसे प्रूफ करने को कह रहा था। नंदनी समझ में आया बेटा? हेलो, नंदनी है मीटिंग में? हेलो नंदनी, आपको आवाज़ आ रही है बेटा? बोल क्यों नहीं रहे, क्या हुआ, खाना खा रही हो? ठीक है, तो बेटा ये बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको कर दिया। आप इसको कर सकते हो ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, नंदनी ने भेजा है हुआ है। नोट डाउन तो कर लिया होगा आपने, नहीं भी किया तो आप वीडियो में देख लेना बाद में, ठीक है। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर टू, तो इसका क्वेश्चन नंबर टू है, शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ये फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्म एट एम प्लस वन कॉमा फोर सम फॉर सम इंटीजर एम। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। एक मिनट, इसके ना सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, राइटिंग बहुत गंदी दे रहा है। ठीक चलना चाहिए। तो ये बोला है कि शो करो कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो स्क्वायर होगा वो एट एम प्लस वन की फॉर्म में होगा। तो इसको देख लेते हैं। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे भी वही करना है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं। लेट, सबसे पहले हर एक क्वेश्चन के लिए यही करते हैं हम लोग, लेट ए, अब ठीक आ रही है, एंड बी एनी पॉजिटिव
ऑड इंटीजर्स ठीक है देन बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम b equals to a q plus r where r is greater and equals to 0 but lesser than a. तो यहाँ तक तो हम लोगों को बिल्कुल सेम करना है जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें भी स्क्वायर प्रूफ करना हो या कुछ भी प्रूफ करना हो हर एक क्वेश्चन में इतना सेम करना है ना. उसके बाद हम लोगों का इम्पोर्टेंट काम होता है स्टार्ट. अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बेटा यहाँ पे लिखा है 4 यहाँ पे लिखा है 8m है ना. तो कौन सा ऐसा नंबर है जो जिसका स्क्वायर करने पे ऐसा 8m आए या 8m के क्लोजेस्ट आए. तो मैं आपको बताता हूँ. जैसे सबसे पहले हमने 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 तो 8m किससे तो बहुत दूर है. 3 का स्क्वायर करूँगा 9 आएगा बट 9 तो बेटा एक ऑड नंबर है ना. इसने बोला तो वैसे ऑड ही नंबर है ना. बट 9 हमने जो लेंगे तो उससे 8 बनाने के लिए ना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. वो गड़बड़ वाली चीज़ है वो उससे सही से होगा नहीं. तो हम यहाँ पे लेते हैं 4 क्योंकि 4 में से 8 निकालने के लिए आपको बस कॉमन लेना है जबकि आपको 9 बनाने के लिए ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एम के साथ साथ है ना. क्योंकि आप जब 9 का 3 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 9 एम. अब मुझे इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट इसको 8m बनाना है तो मुझे 1m सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और 1m ऐड भी करना पड़ेगा क्योंकि जो चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं वो ऐड भी तो करते हैं बैलेंस रखने के लिए इक्वेशन को. तो बेटा ये m जो है ना ये फिर कन्फ्यूज़ कर देगा आपको बाद में. तो इसलिए हम लोग ना क्या ले लेते हैं 4 ले लेते हैं ठीक है सर. लेकिन वो इंटीजर तो ऑड है ना बेटा. कोई ऑड होना चाहिए. इंटीजर ऑड है ना. देखो बेटा एक बात मुझे बताओ क्या 4m प्लस 1 ये ऑड इंटीजर नहीं है क्या. यहाँ अगर मैं ए इक्वल्स टू 4m प्लस 1 लिख दूँ तो ये ऑड ही तो हो गया ना ठीक है. चलो वो अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जैसे ही क्वेश्चन में 2-3 स्टेप में लिखूंगा ना आपको समझ आ जाएगा सर 4m क्यों लिया ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं लेट ए इक्वल्स टू 4. तो जैसे ही हमने ए इक्वल्स टू 4 लेट किया तो ये हो जाएगा हमारा बी इक्वल्स टू 4q प्लस आर और आर की वैल्यू भी आपके सामने क्लियरली आ गई होगी 0 से बड़ी या 0 के इक्वल बट 4 से छोटी. तो आर की वैल्यू कौन कौन सी हो गई 0, 1, 2, 3 ये आर की वैल्यू हो गई ठीक है. तो आर की वैल्यू हम लोगों को इसमें पुट कर देनी है. तो जैसे ही आपने यहाँ पे आर की वैल्यू पुट करी तो आपके पास कुछ रिजल्ट आ गए होंगे. तो b इक्वल्स टू आ जाएगा सबसे पहले 4q फिर b इक्वल्स टू 4q प्लस 1 ठीक है b इक्वल्स टू 4q प्लस 2 एंड b इक्वल्स टू 4q प्लस 3. तो ये आपके सामने रिजल्ट आ गए होंगे ठीक है ना. जैसे ही आप r की वैल्यू पुट करोगे ना इसमें इक्वेशन 1 में तो आपके सामने ये सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे. अब हमको अपने क्वेश्चन पे ध्यान देना है. क्वेश्चन में बोला गया था ओनली ऑड इंटीजर्स है ना. पहली लाइन में यहाँ पे बोला गया था शो डेट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स. तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स का स्क्वायर करना है हमें. तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ऑड कौन कौन सा है. एक तो ये है ठीक है और एक ये है. बाकी तो सारे इवन हो गए ना क्योंकि 4 के साथ यहाँ पे क्योंकि आप कोई भी वैल्यू रखो बेटा क्योंकि वैल्यू 6 रखोगे 4 6 24 तो 24 भी इवन है. कोई भी वैल्यू रख लो 25 रख लो 20 आ जाएगा इवन है. यहाँ पे देखो अब 4 के जो भी मल्टीपल हैं जैसे 20 60 या फिर 24 उसमें आप 2 ऐड करोगे तो वो भी एक इवन नंबर ही रहेगा. तो ऑड कौन से बचे ये दोनों हमारे पास. तो हम लोगों को स्क्वायर भी केवल किसका करना है इन्हीं दोनों नंबर्स का स्क्वायर करना है ठीक है. तो बस आप यहाँ पे केस बना लीजिए. जैसे सबसे पहले केस
फर्स्ट इसके यहाँ सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गई ना तो राइटिंग थोड़ी सी गंदी आएगी, ठीक है? तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, राइटिंग थोड़ी सी गंदी आएगी ही, पता नहीं क्या हो गया इसके सॉफ्टवेयर में। तो b इक्वल्स टू 4q प्लस 1, सबसे पहले हमने केस ले लिया ये, अब हमको इसका स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो ये हो गया बी स्क्वायर एंड इधर हो गया 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, स्क्वायर पूरे पे चढ़ेगा, ऐसा नहीं केवल 4q पे चढ़ेगा, वो पूरे पे चढ़ेगा। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, मैंने डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर हो गया क्या, 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आ गया 16q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8q। ठीक है, अब मैं 8q को ना इधर साथ में ही लिख देता हूँ इसके, क्योंकि इसमें से शायद कुछ कॉमन आ जाए। तो जैसे ही मैंने इसके साथ लिखा तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 8 और q दोनों चीज़ कॉमन आ गई, या 8 आप सिर्फ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचेगा 2q² प्लस q, ठीक है, प्लस 1। अब बेटा ध्यान से समझना, देखो 8 के साथ यहाँ पे चाहे कोई भी वैल्यू हो अंदर की तरफ, वो 8 से मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर तो 8 का मल्टीपल ही आएगा ना। अंदर की तरफ चाहे क्यू की वैल्यू आप कुछ भी रखो, उसको सॉल्व करने पे जब उसकी आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी नंबर आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। तो मैं इतनी बड़ी वैल्यू को क्या करता हूँ, एम की इक्वल लेट कर लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड भी एम की थी, है ना? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में डिमांड भी किसकी थी, एम की थी। तो मैंने क्या किया ना, इसको एम की इक्वल लेट कर लिया, लेट हेयर लिख लो, हेयर एम इक्वल्स टू 2q² प्लस क्यू, या हेयर एम इज एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, ठीक है, हेयर एम इज एनी इंटीजर विच इज़ इक्वल्स टू 2q² प्लस क्यू। तो यहाँ पर मेरा एक रिजल्ट निकल के आ गया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8m प्लस 1। ठीक है, अब केस टू, तो ये केस फर्स्ट था, केस टू सेकेंड, केस सेकेंड था हमारा बी इक्वल्स टू 4q प्लस 3। तो इधर भी करेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ भी हम लोगों ने यही करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4q का स्क्वायर 16q स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12, 24q। ठीक है, एंड अगेन हम लोग क्या करेंगे, जो क्यू वाली टर्म है ना उसको इसके साथ ही लिख लेंगे, और 9 को भी कैसे लिख सकते हैं हम, 8 प्लस 1। ठीक है, 9 को भी हम लोगों ने क्या लिख लिया, 8 प्लस 1, क्योंकि इस पूरे में से ना 8 कॉमन आ जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 कॉमन। तो यहाँ से रह गया क्या, 2q स्क्वायर प्लस 3q एंड प्लस 8 की जगह पे 1, और ये वाला 1 एज इट इज। ठीक है, अब ये पूरा अगेन देखो बेटा, ये 8 का मल्टीपल है, तो ये कोई भी वैल्यू हो 8 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 8 का ही मल्टीपल, या 8 का ही ऐसा एक नंबर आएगा जो 8 के टेबल में आता हो। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या करेंगे, एम के इक्वल लेट कर लेंगे। तो जैसे ही आप इसको एम के इक्वल लेट करोगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा,
बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8m+1, क्या आ जाएगा यहाँ पे भी 8m+1। तो बाय अबाउ रिजल्ट वी कैन से डेट, पूरी स्टेटमेंट लिख दो ठीक है, बाय अबाउ रिजल्ट वी कैन से डेट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 8m+1 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ था, बस आपने थोड़ा सा करना नहीं चाहिए वरना तो आप कर देते इसको। नंदनी समझ में आया बेटा अभी? हेलो नंदनी। ओके बेटा, सबके डाउट ले रहे हैं बेटा, आज डाउट क्लास ही तो है, वन बाय वन सबके डाउट लेंगे ना। ठीक है, तो ये नंदनी के डाउट थे, और भी कोई डाउट है नंदनी का? देख लेता हूँ। एक मिनट रुकना बेटा। एक तो ना आप सबके इतने सारे नंबर हो गए मेरे पास, समझ नहीं आता कौन सा नंबर है आपका। ये और रह गया। लेपरेंस आप भेज रहे हो बेटा, जल्दी नहीं भेज दिया आपने? सर पहले भेजा था वो, मैंने दोबारा भेजा, नंबर नीचे चला जाता है ना। ओके ओके, तो बेटा क्वेश्चन है ये नंदनी का, अच्छा क्वेश्चन है, पर बेटा हमने ना ऐसा क्वेश्चन किया हुआ था, वो 3 की पावर में किया हुआ था, आपने वो शायद देखा ना हो, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन था, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। शायद वो जो डाउट था वो श्रद्धा का डाउट था, श्रद्धा ने मेरे से पूछा था, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 2^100 - 2^192। ये बीच में ना ये पॉइंट नहीं है, ये डॉट है, डॉट मतलब बेटा मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर ये, ठीक है, पॉइंट नहीं है। डॉट 31 + 2^m इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर देन एन, तो हमें एन बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन श्रद्धा ने हमसे पूछा था, ठीक है, वो उसमें क्यूब रूट था आई थिंक। तो बेटा इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, हमसे बोला गया है कि एन की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए पूरा जो ये एक्सप्रेशन है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट एन इक्वल्स टू 192 + x, अपनी तरफ से लेट करा। इसके पीछे रीज़न है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पूरे एक्सप्रेशन में पावर है 200 192 * 31, ठीक है, मतलब जो छोटी पावर है वो 192 है। तो पहले ना मैं क्या करता हूँ, ये 192 पावर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, इससे क्या होगा ना क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, क्योंकि 192 जो पावर है वो एक ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। परफेक्ट स्क्वायर निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है बेटा, पता करने का, उसका स्क्वायर रूट कर दो वैल्यू का, अगर वो स्क्वायर रूट सॉल्व हो जाता है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, पूरे की पावर 1/2, स्क्वायर रूट का यही मतलब होता है। तो जब मैं इसका 1/2 करूँगा ना तो ये आ जाएगा 96। तो देखो ये कट गया, तो डेट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 96 का, है ना। तो मैंने ऐसा आपको इसलिए किया समझाया क्योंकि यहाँ पर मैं ना पावर कॉमन लेने वाला हूँ, तो जैसे ही मैं पावर 192 कॉमन लूँगा तो यहाँ से कितनी बचेगी पावर, 2^8 बचेगी, -31 बचेगा एंड +2^x बचेगा। ठीक है, ये जो है यहाँ से आप कहोगे सर ये 192 कैसे कॉमन आ गया, तो प्लस है बेटा, आपको पता है एक्सपोनेंट एंड पावर्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि जब दो नंबर अगर उनका बेस सेम होता है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो देखो इन दोनों नंबर से ही तो ये फॉर्म आई है, तो इस फॉर्म से मैं दोबारा से ऊपर वाली फॉर्म नहीं लिख सकता, 192 * 2^x, तो यहाँ से 192 कॉमन आ गया है तो 2^x बच गया है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ से 2^x बच गया है।
अब देखो बेटा, मैंने 192 ही कॉमन क्यों लिया, क्योंकि बेटा 200 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा कॉमन लिया जा सकता है, बट छोटे में से बड़ा कॉमन नहीं लिया जा सकता। मतलब 200 192 दे सकता है, बट 192 200 रुपये नहीं दे सकता। ठीक है, आपके पास 200 रुपये, तो आप 192 किसी को दे सकते हो, बट आपके पास 192 ही है, तो आप किसी को 200 नहीं दे सकते। तो इसलिए मैंने 192 कॉमन लिया। अब क्वेश्चन बहुत ईजी सा हो चुका है आपके सामने। ठीक है, ये 192 तो ये जो है, ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके बारे में हमें कुछ सोचना नहीं है, ये एज इट इज़ चलता रहेगा। अभी यहाँ पे देखो, 2 की पावर 8 होता है क्या? 2 टू द पावर 8 हो गया हमारा 256, है ना? 2 की पावर 8 256 होता है ना, मतलब 2 की 8 बार मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 256 -31 +2 टू द पावर x। ठीक है, तो 192 एज इट इज़ चलेगा, इसका कोई भी रोल नहीं है। इसमें से मैं 31 माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2, एंड यहाँ पे बचा 5, एंड इधर बच गया 2, 2 टू 5 +2 टू द पावर x। अब बेटा देखो, 2 टू 5 ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर ये 0 हो जाता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। बट मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखूँ, मतलब कोई भी एक होल वैल्यू रखूँ मैं, तो यहाँ पर 1 0 आ ही नहीं सकता। अगर आप इवन यहाँ पे 2 की पावर 0 भी रखोगे ना, तब भी 1 आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के, 0 वाला नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर आप कुछ भी रखो, 0 रखोगे 1 आएगा, तो 2 2 6 हो जाएगा। आप 2 रखोगे तो 2, यहाँ पे 4 हो गया, तो 2 2 9 हो जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ये देखो, 2 टू 5 बेटा किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 15 का। तो 15 का स्क्वायर होता है 2 टू 5। हमें ना बाहर की तरफ तो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, अब अंदर की तरफ ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर होता है 256। तो अगर मुझे यहाँ पे 256 चाहिए, तो मुझे इसमें 2 टू 5 में 31 ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो 31 ऐड करने में 256 आएगा, बट 2 का कोई भी फैक्टर 31 तो होता ही नहीं है, है ना? यहाँ पे 2 की पावर अब कुछ भी रखो, 2 रखोगे 4 आएगा, 4 रखोगे आप यहाँ पे 3 रखोगे 8 आ जाएगा, 4 16, 5 रखोगे 32, तो 31 तो आया ही नहीं, है ना? तो अब हमें 16 के अलावा अगला देखना है। तो 16 के अलावा जब मैं 17 देखूँगा तो होता है 289। तो 289 हमारे पास क्या है? 225। तो कितना कम है हम लोगों के पास? 4 और 6, 64 कम है। अब आपको पता है 2 की पावर 8 जो है वो 64 के इक्वल होती है, डेट मीन्स एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना? यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? पुट कर देंगे, पुट करेंगे कितना? पुट एक्स इक्वल्स टू 8। जैसे आप यहाँ पे पुट करोगे ना, आगे वाली वैल्यू तो एज इट इज चलती रहेगी, तो 225 +2 टू द पावर 8, एंड जैसे ही आपने यहाँ पे पुट किया, 8 नहीं यार, 8 तो 2 2 का ज़्यादा हो जाता है आई थिंक, 2 की पावर 6, 3 2 इंटू 2 इंटू 2 8, हाँ, यहाँ पे 6 होगा, है ना? 8 एंड 8, 8 8 जो 64, तो ये 6 होगा बेटा। तो यहाँ पर हो गया 225 +64, एंड जैसे इसमें 64 ऐड हुआ तो ये बन गया क्या? 289। तो ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर था, और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 17 का। तो अगर हम लोगों को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो एक्स की वैल्यू 6 होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू 6 थी, बट हमसे एक्स की वैल्यू थोड़ी ना पूछी थी उसने, क्वेश्चन में तो हमसे पूछा गया है किसकी वैल्यू? एन की वैल्यू। तो एन इक्वल्स टू कितना है? 192 प्लस एक्स। तो एन इक्वल्स टू 192 प्लस एक्स की वैल्यू की रख देंगे यहाँ पे 17, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 209। नंदनी बेटा, समझ में आया आपको ये? किसी भी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? किसी बच्चे को इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आप रेज हैंड कर सकते हो बेटा, पूछ सकते हो मेरे से। निकिता आई है आज मीटिंग में? हेलो निकिता,
निकिता आज नहीं आई है, ओके। प्रिंस बेटा, कृष्णा, सुमित, सुप्रिया, आपको डाउट है बेटा इसमें? कोई भी डाउट है इसमें? सुप्रिया बेटा, सुप्रिया से पूछ रहा हूँ, नो समझ में आ गया बेटा पक्का? हेलो, सर। ओके बेटा, ओके, ठीक है। फिर तो आगे बढ़ते हैं, नंदनी के तो सारे डाउट हो जाते हैं यहाँ पे कंप्लीट, तीन ही डाउट भेजे, एक और है। ये वाला क्वेश्चन बेटा आगे आएगा चैप्टर में, जब आएगा ना तब मैं बता दूंगा, स्क्वायर रूट वाला, ठीक है। इसके बाद नंदनी के बाद हम ले लेते हैं सुमित के डाउट। सुमित बहुत बोल रहा था, डाउट डाउट बता दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा तुम्हारा डाउट, ये उसमें कौन सा वाला है? 12 है इसमें बस, ठीक है, 12 वाला डाउट है, ओके। तो बेटा सुमित ने मेरे को क्वेश्चन भेजा है, आप लोग देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है। 12 बोला बेटा, इफ जीरोस, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, ऑफ द पॉलीनोमियल, ये दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइप में बताऊंगा कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, सारे नोट डाउन करते हुए भी चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो भी हम कर रहे हैं आज, ठीक है। तो ये बोला है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो आर इन ए पी देन, तो इसमें ना हमको चार ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 × 3 p² इक्वल्स टू p³ - r, बी ऑप्शन बी है 2 × p³ इक्वल्स टू p³ + r, सी ऑप्शन है p³ इक्वल्स टू p³ - r, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले बेटा ए पी सीरीज़ का यहाँ पे जिक्र हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ ए पी सीरीज़ क्या होती है। ए पी सीरीज़ बेटा वो सीरीज़ होती है जिसमें ना, जब हम लोग अगर उसकी तीन टर्म की बात करें, तो ए पी सीरीज़ होती है कि इसकी जो सेकंड टर्म में से अगर मैं फर्स्ट टर्म माइनस करूं और थर्ड में से जो सेकंड टर्म है उसको मैं माइनस करूं, तो दोनों आपस में इक्वल आती है, ठीक है। लाइक जैसे हम तीन नंबर ले लेते हैं अपनी तरफ से, तो आप यहाँ पे देख पाओगे जब मैं सेकंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करूँगा और थर्ड में से सेकंड वाले को माइनस करूंगा, तो ये आपस में इक्वल आएंगे। तो ये इस टाइप की जो भी सीरीज़ होती है उनको हम ए पी सीरीज़ कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये जो टॉपिक है काफ़ी बड़े डिटेल में इसको हम बोलेंगे, तो ये आप 11th में पढ़ोगे, अभी तो क्या नहीं है डिटेल में, 11th में आपको ये पूरा डिटेल में मिलेगा, ठीक। अभी आप बेसिक इतना समझ लीजिए कि ए पी सीरीज़ वो सीरीज़ होती है कि जिसकी आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो और थर्ड में से सेकेंड करो, एंड सो ऑन, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से सिक्स, मतलब आप जब अगली टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस करोगे ना, तो सबका जो डिफरेंस होगा वो सेम आता है, ठीक है। तो ये हमारी ए पी सीरीज़ होती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी तरफ से इसमें बोला गया था कि इसके जो जीरोज़ हैं वो क्या है, आर एन ए पी, अगर वो ए पी में है तो अपनी तरफ से हम उसके जीरोज़ लेट कर लेते हैं, लेट अल्फ़ा हमने लेट कर लिया अपनी तरफ से, इसका ज़ीरो है ना, अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा हमने लेट कर लिया, ए बीटा हो गया हमारा, a+b, और गामा हो गया हमारा a+2b, ठीक है। एक बार आप चेक कर सकते हो क्या हमने सही लेट किए हैं, इसमें से इसे माइनस करोगे तो b बचेगा,
है ना, सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करोगे, एंड ऐसे ही थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करोगे तो भी बी बचेगा। तो मतलब हमने ठीक लेट किए हुए हैं। ओके तो अभी हम लोग आगे करते हैं। हमारे पास बेटा सबसे पहले होता है सम ऑफ रूट्स, है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो हम लोगों ने यहाँ पे सम ऑफ ज़ीरोज़ कर लिया, वो होता हमारा, ये एक क्यूबिक है, आप देख पा रहे होंगे ना, यहाँ पे पावर जो है वो 3 है, तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। तो सम ऑफ ज़ीरो जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, माइनस का कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब, यही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ना इसके ज़ीरोज़ की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सबसे पहला ए, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस 2b। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे ना आप इसको ऐसे पुट करोगे तो एक गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ होगी, कि ये सारे ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे b भी बच जाएगा। तो आप ना इसके ज़ीरोज़ को इस तरीके से लेट करो कि जब हम इनको ऐड करें ना तो ये ख़त्म हो जाए। तो वो कैसे होगा, उसका तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पे a प्लस बी लेट कर लो, और सेकंड वाले में हम लोग क्या कर लेते हैं, ए प्लस माइ ए माइनस बी भी लेट कर सकते हाँ हैं। वही मैं बता रहा था, उसका रीज़न भी मैंने इसलिए आपको ना ये पूरा पहले करवाया, फिर उसका रीज़न मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखना यहाँ पर हमने ना इसके ज़ीरोज़ इस तरीके से लेट कर लिए कि यहाँ पर ना जब हम सॉल्व करेंगे इस जगह पे तो उसके ज़ीरो ना में से एक वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, आप जब मैंने ए माइनस बी किया तो सेकंड में से मैं फर्स्ट वाला माइनस करूंगा तो ए से कैंसिल हो जाएगा एंड बी प्लस का आ जाएगा, है ना, ऐसे ही तो माइनस करूंगा मैं। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ए से तो ए कैंसिल, बचा बी। अब थर्ड वाले में से जब मैं सेकंड वाला माइनस करूंगा तो वहाँ भी यही होगा। ठीक है, अब मैं इनको ऐड करूंगा ना तो उससे हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप ना यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं है मैंने ए माइनस बी किया है तो आप भी ए माइनस बी करो। अब यहाँ पे एक्स माइनस वाई भी कर सकते हो या एक्स भी कर सकते हो, बट आपको ना इस तरीके से लेट करना है कि जब आप इनको ऐड करो, ठीक है, तो उसमें से ना एक टर्म ख़त्म हो जाए। तो जब मैं इनको ऐड करूँगा तो आप देखना एक टर्म ख़त्म हो जाएगी, वो है बी। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बी से बी ख़त्म हो चुका है अब, तो हमारे पास 3a इक्वल्स टू आ गया 3p। देखो ऊपर वाला भी ठीक था, नीचे वाला भी ठीक है। ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फ़र्क है ना, कि ऊपर वाले से फिर आपको उनका प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, और भी चीज़ें निकालनी पड़ेगी बी की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए। बट यहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट कर लिया कि ए माइनस बी ए और ए प्लस बी, उससे क्या हुआ कि बी ख़त्म हो गया है, ये भी वही चीज़। तो यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू आ गई कितनी, पी। तो ए की वैल्यू पी आ चुकी है हमारे पास। अब हमारे पास एफ एक्स कितना था, एफ एक्स इक्वल्स टू है हम लोगों के पास एक्स टू दी पावर 3 माइनस 3 p² एक्स टू दी पावर 3 माइनस 3 px² एंड आगे है हमारा प्लस qx माइनस r, प्लस qx माइनस r। बेटा यहाँ पर इसने साफ साफ बोला गया है इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन ए पी, तो मतलब a जो है उसका 0 है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। देखो यहाँ पे लिखा है ना बीटा इक्वल्स टू a, तो मतलब a उसका 0 है। तो अगर कोई भी ज़ीरो होता है तो मतलब वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ज़ीरो रखने पे इक्वेशन किसके इक्वल आ जाती है, मतलब उसकी वैल्यू रखने पे, एक्स की वैल्यू रखने पे वो इक्वेशन किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के, है ना। तो हम लोग भी यहाँ पे यही करेंगे, पुट एक्स इक्वल्स टू पी, क्योंकि ए उसका 0 था ना, तो 0 रखने पे ये किसके इक्वल आ जानी चाहिए, 0 के। तो यहाँ पे जैसे ही मैं एक्स की जगह पी रखूँगा तो ये पूरी 0 के इक्वल आ जाएगी। तो जहाँ जहाँ पे आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे क्या रख दो, आप पी रख दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे तो 0 हो गया है ना, ये ऑलरेडी 0 था। तो पी क्यूब माइनस 3 p³ प्लस qp माइनस r। ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए, आप इधर देख लो, यहाँ से पी क्यूब में से 3 p³ गया तो बचा कितना, माइनस का 2 p³ प्लस का qp माइनस r। इसको मैं ले गया लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे आ गया 2 p³ 2 p³ 3
इक्वल्स टू क्यू पी माइनस आर। अब ये आप मैच कर लो कौन से वाले ऑप्शन में है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आई थिंक, नहीं हाँ ए करेक्ट। ऑप्शन ए आप देख पा रहे होंगे, टू पी क्यूब इक्वल्स टू क्यू पी माइनस आर, ठीक है। टू पी क्यूब इक्वल्स टू पी क्यू लिख दो या क्यू पी, बात एक ही है ना, है तो दोनों मल्टीप्लाई में ही, माइनस आर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप लोगों को समझ में आई एपी सीरीज वाले क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है बेटा, ओके बेटा। तो अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सुमित का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित का, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, 14 15? हाँ मैं इस पे बता रहा था, इस पे ना एक क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो भी आप देख लीजिए। इसका जो सेकंड पार्ट है, जैसे ये है ना, एक क्वेश्चन तो इस टाइप से ही आएगा, दूसरा क्वेश्चन वो देखिए आप किस टाइप से आएगा। ये स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, देखो बेटा ये है, ठीक है, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, और उसमें क्या पूछता है ना, के की वैल्यू बताओ। ठीक है, ये जो है ना, ये 3 जो दिख रहा है आपको, ये पावर में एक्चुअली, और ऐसे इधर ये 2 भी पावर में है। तो यहाँ पे ही बोलेगा इफ द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ के। तो बिल्कुल सेम ही करना है, 3 जीरो अपनी तरफ से लेट कर लो, ए माइनस बी ए और ए प्लस बी, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ज़ीरो का सम निकाल लेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, माइनस का कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स, एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएगा ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी। उससे क्या होगा ना, आपको बताइए, ये मैंने इसलिए लेट किए हैं इस तरह से ताकि बी से बी कैंसिल हो जाए। तो यहाँ से 3a इक्वल्स टू आ गया हम लोगों के पास 12, एंड ए इक्वल्स टू आ गया हम लोगों के पास 4। तो ए तो आ चुका है। अब ये देख रहे हो बेटा, जो ये के है, ये के कब आता है, जब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में ही तो आता है ये कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास जो जो जीरो हैं, जैसे कौन कौन से थे, ए माइनस बी इंटू ए एंड ए प्लस बी, तो इनकी प्रोडक्ट आप लोग कर दीजिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू तो आपके पास 1 आ चुकी है, 1 माइनस बी, एंड ए 1 है, एंड यहाँ पे भी 1 प्लस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो के की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है सर, ए की वैल्यू 4 है, अरे सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू के। तो यहाँ से हमारे पास के आ चुका है, वो किसके इक्वल है, 16 माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है बेटा। बट ये तो बी हमने अपनी तरफ से लाइट, इसमें एक और सर, सर उसमें एक और, एक एक और 4 होगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि एक बीच का एक छूट गया है। ओके ओके, ये वाला ना, ठीक है, अब ठीक है ना। तो k की वैल्यू इसके इक्वल है, तो हमको k की वैल्यू जो है ना बेटा, वो यहाँ पे जो b है ना, ये हमने अपनी तरफ से लेट किया था। तो जो भी चीज़ हम अपनी तरफ से लेट करते हैं, वो क्वेश्चन से हमें कम्प्लीटली ख़त्म करना होता है। तो इस b की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, और कॉन्जिक्यूटिव रूट्स की या कॉन्जिक्यूटिव ज़ीरोज़ की प्रोडक्ट का सम, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है हम लोगों का, वो होता है कोफिशेंट ऑफ एक्स, जो कि है 39, एंड कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आपको पता ही है, यहाँ पे रख लेते हैं हम, ए माइनस बी इंटू बीटा की वैल्यू बी प्लस
बीटा की वैल्यू बी, गामा की वैल्यू ए प्लस बी, प्लस गामा की वैल्यू ए प्लस बी एंड जहाँ पे अल्फा है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है ए माइनस बी एंड इक्वल्स टू 39। ठीक है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो जो जो आपके पास है। तो 4 माइनस बी इंटू बी प्लस बी, 4 प्लस बी प्लस 4 प्लस बी एंड 4 माइनस बी इक्वल्स टू 39। ये हो जाएगा हमारा 4b माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 4b प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आएगा 16 माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन गया ये। तो बी स्क्वायर से ये वाला कैंसिल, 4 और 4 हो गया हमारा 16b एंड प्लस का 16b, 16 माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस का 39। तो इसको इधर ले आए हम लोग, तो यहाँ पर माइनस बी प्लस का 16b स्क्वायर बी एंड माइनस, ये हो जाएगा हमारा 23। तो 23 जैसी हुआ बेटा, इस पूरे में आप माइनस कॉमन लेके उस तरफ ले जाना, या इसमें पूरे में माइनस से इंटू कर दो। तो जैसे ही आप पूरे में माइनस से इंटू करोगे ना, तो जो माइनस वाली टर्म होती है वो प्लस हो जाती है एंड प्लस वाली माइनस। देखो इसके पीछे रीज़न है, पूरे में हमने माइनस से इंटू क्यों करी। अब यहाँ पे देखना बेटा, पूरा ये क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे हम लोग माइनस से इंटू क्यों करते हैं, उसके पीछे का एक रीज़न ये है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना, जो ये एक्स स्क्वायर होता है या जो स्क्वायर वाली टर्म होती है, इसको हमें पॉजिटिव रखना होता है। अगर आपकी ये नेगेटिव है ना, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पॉजिटिव रख के फैक्टर्स कर सकते हो बहुत ईजिली। तो फैक्टर करने के लिए क्या है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 23, एंड उनको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना, प्लस करने पर कितना आना चाहिए 16। पर ऐसा तो कोई फैक्टर होता ही नहीं है, हमने सही तो लिखा है ना सब कुछ सर। हाँ बेटा, जब हमें यहाँ पे एक जीरो की वैल्यू पता चल गई थी 4, हाँ, तो हम इसको इजीली वैसे भी तो कर सकते थे, एक्स की जगह उसको मतलब वैल्यू रख के इक्वेशन को जीरो पुट करके, फिर के हमें मिल जाता। सही कह रहे हो, ऐसे भी हो सकता है, जैसे हमने इससे पहले वाला किया ना। यस हाँ बेटा, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, काम का इतना कॉम्प्लिकेशंस क्यों क्रिएट करना है ना, कि बी की वैल्यू निकालो फिर उसको पुट करो। जैसे आप लोग, आपने यहाँ पे ए की वैल्यू निकाल ली है, अब डायरेक्टली इसको इसमें पुट कर दो इक्वेशन में, इतना सारा लेंथी वाला पहले ही बता देते, काम का मेरा दिमाग भी नहीं चला। ठीक है, इतना कुछ करने की हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में, इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में यही तो किया है, कि हमने सीधा उसमें से रूट की वैल्यू निकाली थी एंड रूट की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन में पुट कर दिया उसको। यहाँ भी यही कर देते हैं, पुट एक वोज टू 4n fx, है ना, पुट x इक्वल्स टू 4n fx। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे पुट किया, तो fx किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल, f4। तो f जहाँ पे भी x दिख रहा है वहाँ पे रख दो 4। और ये 0 के इक्वल हो गया, एंड यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं अब। ठीक है, ये तो रूट है ना इसका बेटा, तो ये इक्वेशन हमें रखने पे 0 के इक्वल आ जाएगी, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी। मेरे दिमाग में भी नहीं आया था, पहले ही बता देती श्रद्धा, इतनी मेहनत करवा दी खामा का। ठीक है, बिल्कुल जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही तो करा है हमने, यहाँ पे भी हमने रूट निकाल लिया था एक, एंड रूट जैसे ही वो निकला उसको फिर इक्वेशन में रख दिया, क्योंकि वो रूट है इक्वेशन का, तो वो जब हम इक्वेशन में रखेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगी। तो यहाँ भी तो ये रूट ही था, तो ये इक्वेशन में जब हम रखेंगे, इक्वेशन में हमने यहाँ पर रखा, जहाँ पर भी एक्स था वहाँ पर रख दिया 4, तो वो 0 के इक्वल आएगी। अब यहाँ से हम लोग के की वैल्यू निकाल सकते हैं। सुप्रिया बेटा, आपको समझ में आया? यस सर। सके की वैल्यू 18 आई। हाँ बेटा, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है,
समित आपको समझ में आ गया ना बेटा ये वाला क्वेश्चन? नाउ अब अपने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा। 14 में बोला हुआ है ना, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी से कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में। बोला एफ एक्स जो है इज डिविजिबल बाय पॉलिनोमियल जी एक्स, मतलब ये जो एफ एक्स है ये जी एक्स से डिविजिबल है, ठीक है। एफ एक्स जो है वो जी एक्स से डिविजिबल है, ठीक। ऐसे लिखा हुआ है इफ एफ एक्स इज डिविजिबल डिविजिबल बाय जी एक्स देन ए बी इक्वल्स टू, ए बी किसके इक्वल होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 अपॉन सी, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी -1 अपॉन सी, ठीक है। तो ये हम लोगों को ऑप्शंस दिए हुए थे। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इसको। हाँ बेटा अभी करेंगे, आपके वाले भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ बस, इसके बाद आप ही का नंबर है श्रद्धा। सुमित का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो जो क्वेश्चन है ना वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो सुमित हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ना बेटा, देखो ये बोला है ना इसने ये डिविजिबल है, तो इसको डिवाइड ही कर दो सीधा उठा के, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं जी एक्स से, तो बेटा हम लोगों को चाहिए ए और एक्स क्यूब, तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, तो ए इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इससे फर्स्ट में मल्टीप्लाई करूँगा तो ए एक्स क्यूब, इससे सेकेंड में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारा ए बी एक्स स्क्वायर, एंड इससे जब मैं थर्ड में करूँगा तो आ जाएगा ए सी एक्स, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अपोजिट साइन माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। यहाँ से बचे माइनस का ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी एक्स वाला और ये जो ए सी वाला है ना इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे दोनों के पीछे के वेरिएबल सेम है। तो बी एक्स माइनस ए सी एक्स, तो इसमें से मैं क्या करता हूँ ना एक्स कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा बी माइनस ए सी, ठीक है। मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर मैं सीधा बी माइनस ए सी लिख रहा हूँ, एंड ऊपर से बच गया केवल सी, ये वाला सी। अब हम लोगों को चाहिए माइनस का ए बी और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है हमारे पास, माइनस ए बी और चाहिए, तो माइनस ए बी से एक्स सी था। हाँ बेटा सी माइनस ए एक्स सी था, सी माइनस क्या कह रहे हो बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा। सर बी एक्स माइनस ए सी एक्स कहाँ था? b माइनस ए सी एक्स कहाँ से आया? ये सही है बी एक्स। अच्छा अच्छा देखो ये रहा ना बेटा बी एक्स, ये वाला x है। तो बेटा मैंने आपको बताया था ना कि वेरिएबल जो है वो सेम वेरिएबल के साथ ही सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं, तो बी एक्स वाला केवल बी एक्स वाले के साथ मतलब x वाले के साथ ही तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे जो मेन वेरिएबल है वो x है ना, है ना। क्वेश्चन को हम x में सॉल्व कर रहे हैं, वो कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला। यस सर, ठीक है बेटा। तो x वाले के साथ ही सॉल्व होगा, ठीक। यहाँ पे अगर सपोज a लिखा होता ना तो फिर ये क्वेश्चन a में हमें सॉल्व करना होता, फिर a को सेटिस्फाई करना होता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x लिखा है तो हमें x में सॉल्व करना है, मतलब x को ख़त्म करना है क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हम देख पा रहे बेटा bx ये ए सी वाले के साथ ही मतलब x वाले के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसको मैंने इसके साथ लिख दिया यहाँ पर, है ना। अब इसमें से ये कट तो रहे नहीं है क्योंकि एक के आगे बी लिखा है एक के आगे ए सी लिखा है, तो मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो हमारे पास बी माइनस ए सी बच गया, इसको मैंने यहाँ उतार दिया, एंड यहाँ से हमारे पास सी था उसको एज इट इज़ लिख दिया, और एक्स स्क्वायर वाली तो ऊपर कोई टर्म ही नहीं थी तो इसको तो मैं एज इट इज़ आगे उतार दूंगा। नाउ हमने ए बी चाहिए था, ए बी से हमने कर दिया इंटू, तो जैसे ही मैंने ए बी से इंटू किया माइनस ए बी से, तो ये हो गया माइनस ए बी एक्स स्क्वायर, एंड सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस
बी, ठीक है, ए बी स्क्वायर एक्स एंड माइनस ए बी सी। ठीक है, देखो बेटा इसकी मल्टीप्लाई में ना फर्स्ट पहले तो मैंने की इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये हो गया माइनस ए बी एक्स स्क्वायर। फिर इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं बी एक्स के साथ, तो देखो ए और बी यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो बी और बी बी स्क्वायर हो जाएगा ना, ऐसी तो हो रही है मल्टीप्लाई, ए बी इंटू बी एक्स, तो ये हो गया ए और बी इंटू बी हो गया बी स्क्वायर एक्स, और माइनस का ये प्लस का है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, एंड नाउ ए बी की मल्टीप्लाई हो रही है सी के साथ, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस और ए बी सी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट साइन, ये माइनस का है प्लस, ये माइनस का है प्लस, ये माइनस का है प्लस, ये कैंसिल आउट हो गए, एंड हम लोगों के पास आ चुका है अभी यहाँ पर, आप देख पा रहे हो ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि मैं इजीली आपको यहाँ से एक्स कॉमन लेके दिखा दूँ। पहले बेटा ये माइनस का था, अब ये प्लस हो चुका है ना, यहाँ पे जो साइन है ना ये वाले, अब हम इसको कंसीडर करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक्स कॉमन लिया, तो बी माइनस ए सी प्लस ए बी स्क्वायर एक्स आ गया, ठीक है। एंड इन दोनों को तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, वो है हमारे पास माइनस सी प्लस ए बी सी, तो जो भी हमारे पास था हम लोग इसको यहाँ लिख देते हैं, एंड यहाँ पे हमारे पास है माइनस ए सी ए बी सी। ठीक है, देखो बेटा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारे पास रिमाइंडर बच गया, बट क्वेश्चन में तो ये बोला था कि एफ एक्स जो है जी एक्स से डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर तो जीरो होना चाहिए था। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे अभी लास्ट हमने क्वेश्चन किया था ऑप्शनल एक्सरसाइज में, लास्ट वाला क्वेश्चन जिसमें रिमाइंडर दिया हुआ था एंड हमारा रिमाइंडर डिफरेंट आ रहा था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, अपनी वैल्यूज़ निकालने के लिए रिमाइंडर्स को कंपेयर कर दे रहे थे, यही तो हमने किया था उस क्वेश्चन में, तो यहाँ भी हम लोग यही करने वाले हैं। इसने बोला है रिमाइंडर ज़ीरो है, ठीक है, तो रिमाइंडर ज़ीरो है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये भी ज़ीरो होंगी, तो यहाँ पे कर देंगे हम कंपेयर। तो जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो माइनस सी प्लस ए बी सी, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कुछ दिख नहीं रहा, तो वो ज़ीरो है, तो उसके ज़ीरो के इक्वल कंपेयर किया मैंने, यहाँ से क्या कॉमन ले लिया सी, तो सी कॉमन लिया तो बच्चा माइनस वन प्लस ए बी, है ना, सी कॉमन लिया था मैंने यहाँ से, तो सी से जो भी कॉमन लेता हूँ, दोनों में था ना सी, तो जो भी कॉमन लेते हैं ना उससे फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जैसे ही मैंने सी कॉमन लिया तो ये बच गया हमारा माइनस वन, इसको डिवाइड किया तो माइनस वन जब डिवाइड हो जाएगा एंड यहाँ से सी डिवाइड हो गया, तो बेटा देखो दोनों की प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ रही है, सी हो गया ख़त्म, तो माइनस वन इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है प्लस वन, ठीक है, ए बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ चुकी है प्लस वन। आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते हुए चल रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कोई नोट डाउन नहीं कर रहा। सर नोट कर रहे हैं। ओके बेटा, तो बेटा आगे देखो आप लोग, है ना बेटा, जैसे ना किसी किसी क्वेश्चन में तो ये ए बी पूछता है, किसी में ना ये ए सी भी पूछता है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, तो किसी किसी में ना ये ए सी भी पूछता है, जैसे ये ए सी की वैल्यू पूछता है, तो ए सी की वैल्यू करने के लिए आप किसको कंपेयर करोगे, एक्स के कोफिशिएंट, इधर की तरफ एक्स दिख नहीं रहा, तो मतलब एक्स क्या रहा होगा, उसका कोफिशिएंट जीरो रहा होगा, तो इस पूरे को उठा के जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो जैसे आप जीरो के इक्वल पुट करोगे ना, तो ए सी हम लोगों को निकालना है, ए सी निकालने के लिए ए सी को ले गए इस तरफ, तो ये बच गया हमारा ए बी प्लस ए बी स्क्वायर।
ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ से, बी प्लस ए बी इंटू बी, यही तो है, यही लिख सकते हैं हम लोग, है ना। किसी किसी क्वेश्चन में ये ए सी भी पूछेगा, तो यहाँ से हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को कंपेयर कर लेते हैं। इधर की तरफ एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट दिख नहीं रहा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसका कोफिशेंट जिसका दिख नहीं रहा तो मतलब वो ज़ीरो है, तो ज़ीरो के इक्वल कंपेयर किया, तो मैं यहाँ से ए सी निकाल रहा हूँ। इसको उठा के मैं जब राइट हैंड साइड ले जाऊँगा तो बेटा ये प्लस हो जाएगा एंड ये अपनी जगह पर है, ठीक। अब यहाँ से मैंने क्या किया ना, ए बी की वैल्यू पुट कर दी, जो ये आई थी ना निकल के, इसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो वन इंटू बी ये हो गया। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी प्लस बी टू बी, तो ए सी की वैल्यू आ गई 2b, ठीक है। तो इस टाइप से भी आते हैं ये क्वेश्चन। शायद अगला वाला क्वेश्चन यही था ना बेटा, 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपका, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया अभी। हेलो बेटा, समझ में आया आपको सुमित ये क्वेश्चन? यस सर। हाँ बेटा देख लेना, इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो बताना। चलो तो सुमित के डाउट हो चुके हैं अभी पूरे, अब हम लेते हैं श्रद्धा के डाउट, फिर उसके बाद लेंगे कृष्णा के, ठीक है। इनके लास्ट टाइम पे हुए नहीं थे ना इन बच्चों के डाउट, श्रद्धा के एक डाउट है, क्वेश्चन नंबर 20 का श्रद्धा का डाउट है, बोला है बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आप सबको। बोला द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 7 to the power 2007 इज, ठीक है इसका। ओके बेटा आपके डाउट्स भी ले लेंगे। तो हमें बोला है इन सब के, इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे ना उनका सम हमको बताना है, ठीक है बेटा। तो पहले तो मैं आपको इसके फैक्टर्स बता देता हूँ क्या क्या होंगे, मतलब फैक्टर्स क्या जो जिसके टेबल से ये कट जाए तो वन से कटेगा, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो 2000 जो 7 है, 7 to the power 2007, इसका मतलब क्या हुआ, 7 × 7 × 7 × और चलता रहेगा ये कब तक, 7 to the power 2007 तक, है ना बेटा। ये तो होता है पावर का मतलब कि उसकी उतनी बार ही मल्टीप्लाई होती रहती है। अब हमसे बोला गया इसके फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, किस किस के टेबल से कट जाएगा। देखो सबसे पहले तो हर एक नंबर किससे कटता है, वन से तो कटता ही कटता है ना। दूसरा 7 से कटेगा, तीसरा 7 × 7 49 से भी कटेगा, 7 × 7 × 7 कितना हो जाएगा 343 यही हो जाएगा, इससे भी कटेगा एंड सो ऑन चलता रहेगा, है ना। फैक्टर वही तो होता है जिससे वो कट जाए। तो ये जो है नंबर वन से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 7 × 7 49 से भी कटेगा एंड 343 से भी कटेगा, आगे जो नंबर आते रहेंगे ना उनसे भी कटेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करी क्या, कि हमको एक्चुअली ना इसका सम निकालना है, जितने भी फैक्टर्स थे ना इसके, इनका सम निकालना है, कहाँ तक, 7 to the power 2007 तक। तो बेटा एक हायर क्लास में ना एक प्रोग्रेशन होता है जिसको बोलते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जैसे AP होती है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसी होता है एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों में फ़र्क क्या होता है बेटा, कि AP में तो हम लोग कैसे पता करते हैं कि वो AP सीरीज़ है या वो GP सीरीज़ है। बहुत ही बेसिक सा फंडा ये होता है कि AP सीरीज़ में जो होती है, जब आप सेकेंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, थर्ड में से सेकेंड माइनस करोगे एंड फोर्थ में से सेकेंड माइनस करोगे, तो उनका जो डिफरेंस है वो सेम आता है। बट जो GP होती है ना उसमें क्या होता है, जब सेकेंड में से फर्स्ट वाली को डिवाइड करोगे, थर्ड में से सेकेंड वाली को डिवाइड करोगे, फोर्थ में से थर्ड वाली को डिवाइड करोगे, तो उनका डिवीज़न सेम आता है, ठीक है। अर्थमेटिक में तो क्या होगा, उनका सब्ट्रैक्शन सेम आएगा, है ना, और ज्योमेट्रिक में क्या होता है, उनका डिवीज़न सेम आता है, ठीक है। दोनों में सेम ही चीज़ कि सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करो, थर्ड में से सेकेंड माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड माइनस करो, तो उनका डिफरेंस अगर सेम आए तो वो होती है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड अगर सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, थर्ड को सेकेंड से एंड फोर्थ को थर्ड से, तो जो उनका डिवीज़न अगर सेम आता है तो वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों में बस इतना डिफरेंस होता है, ठीक। तो बेटा आपको
क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, ये जो हमारी सीरीज है ना, एक्चुअली ये क्या है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी सीरीज है। तो हमें ना जीपी सीरीज का सम बताना है, ठीक है। तो जीपी सीरीज का सम का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं हम लोग SN। SN मतलब, पहले आपको ना मैं एक जीपी सीरीज लिख के दिखाता हूँ बेटा। देखो जीपी सीरीज होती है SN इक्वल्स टू ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है बेटा। ये एक जीपी सीरीज की ना जनरल टर्म होती है। तो जैसे आपसे कोई बोलता है ना जीपी सीरीज लेट करो, तो आप करोगे क्या, ए फर्स्ट टर्म हो गई ए, दूसरी ए आर, थर्ड ए आर स्क्वायर। तो आप देखो सेकंड को फर्स्ट से माइनस करो, ए से ए कटा आर बचा, थर्ड को सेकंड से माइनस करो, ए आर से ए आर कट गया, स्क्वायर था ना एक आर बच जाएगा, थर्ड को माइनस करोगे डिवाइड करोगे तो ए से ए कटा, आर की पावर थ्री में से टू गया बचा एक आर। तो इनका जो डिविज़न है ना वो सेम आ रहा है सबके लिए। तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज की, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज होती है, जनरल टर्म जिसको हम बोलते हैं जनरल सीरीज, है ना। तो अगर हमसे इसका ना वो सम पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, सम का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स टू ए प्लस आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। दो फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली इसके, है ना। ये तब लगता है बेटा जब आर जो है ना वो वन से बड़ा होता है। अगर जो आर है मतलब वो वन से छोटा हो जाए, जैसे लाइक माइनस में हो जाए, ठीक है माइनस में हो जाए, तो फिर जो ये फॉर्मूला है ना इसमें बस इतना सा चेंज हो जाता है कि आर पीछे चला जाता है ना। वो छोटा है ना वन से, तो वन से छोटा है तो ऑब्वियसली पीछे की तरफ चला जाएगा, वन बड़ा है जो बड़ी वैल्यू है वो आगे आ जाएगी। बस ये फ़र्क होता है कब, जब आर जो है वो वन से छोटा हो, ठीक है। तो हमारे पास भी यही सीरीज़ है बेटा, हम अपनी सीरीज़ को ना इससे कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास जो सीरीज़ आई वो कौन कौन सी आ गई, वन माइनस कॉमा सेवन कॉमा 49 एंड डैश 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 सेवन टू दी पावर। देखो बिल्कुल इसी सीरीज़ में मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, सेवन टू दी पावर एन माइनस वन है ना। अगर मुझे 207 चाहिए तो मैं कितने में से उसको माइनस करूँगा, 208 में से माइनस करूँगा, है ना बेटा। हमने ना इस सीरीज़ की फॉर्म में, अपनी वाली जो सीरीज़ थी ना ये वाली, इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो देखो ए, ए कितना हो गया हमारा वन, ए आर कितना हो जाएगा हमारा सेवन, ए आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49 एंड सो ऑन डैश डैश आर टू दी पावर एन माइनस वन है। मुझे चाहिए 2007, तो मैं क्या करूँगा 2007 लाने के लिए, या मैं 2080 तो लिखूँगा, तभी तो वन माइनस करने पर 2007 आएगा। तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया, बस हमको SN चाहिए। हमारा जो R है यहाँ पे, R आप देखोगे आपने निकाला जब R सेकेंड को फर्स्ट से माइनस डिवाइड कर रहे हो तो 7 आ रहा है है ना। आर वन मान लेते हैं इसको, आर टू जब सेकेंड को थर्ड को सेकेंड से डिवाइड कर रहे हो तो भी 7 आ रहा है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि R जो है वो तो हमारा हो गया 7। A होती है हमारी, A जो होता है ना, A होती है हमारी फर्स्ट टर्म। तो हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है बेटा, 1। तो A हमारा 1 है। तो अभी ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपका SN इक्वल्स टू ए ब्रैकेट में आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इसमें पुट कर दो बस ये वैल्यू। तो SN इक्वल्स टू ए हमारे पास है 1, आर पावर एन कितना है हमारे पास, एन हमारे पास है 2008, ये तो था एन। देखो बेटा यहाँ पे देख पा रहे होगे, इससे कंपेयर करोगे आप तो एन कितना आएगा हमारे पास, 2008। तो ए सेवन इंटू पावर 2008 माइनस वन अपॉन सेवन माइनस वन, तो ये हो गया 7 टू द पावर 2008 माइनस वन, पूरे की मल्टीप्लाई 1 से चेक करोगे तो यही आएगा अपॉन 6। तो आप बेटा अपने उसमें मैच करो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है श्रद्धा। कौन सा करेक्ट है बेटा, हेलो श्रद्धा आपको आवाज आ रही है बेटा? सर ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया आपको? यस। डाउट है इसमें कोई किसी को बेटा? अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन कर लीजिए सब। बेटा किसी को भी इसमें अगर कोई डाउट है तो आप रेज हैंड कर लीजिए, ठीक है बेटा आप रेज हैंड कर लीजिए।
मैं आपको दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, आप कहोगे तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना सब। देखो बेटा सबसे पहले ना हमसे बोला गया है कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं, ये जो वैल्यू है ना, इसके जितने फैक्टर्स हैं उनका सम बताइए। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे बेटा? फैक्टर देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, किसी की भी पावर लिखी होती है अगर कुछ भी, तो मतलब उसकी उसी से मल्टीप्लाई हो रही होती है उतनी बार। तो जैसे यहाँ पे 7 to the power 2007 है ना, तो इसका मतलब है 7 की 7 से 2007 बार मल्टीप्लाई होगी। तो जो भी आंसर आएंगे वो हमें बताने हैं उनको, उनका सम, ठीक है? तो उनके फैक्टर का सम, तो हम ये देख रहे हैं कि फैक्टर मतलब फैक्टर वो वैल्यू होती है जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो 1 से तो सब डिवाइड होते हैं, आपको पता है 1 तो सबका फैक्टर होता है, हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है, इवन प्राइम हो या कंपोजिट हो, ठीक है? तो 1 फर्स्ट टर्म हो गई 1, सेकेंड ये 7 से भी डिवाइड होंगे क्योंकि 7 भी आ रहा है, फिर 7 7 जे 49 से भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 7 7 जे 49 7 जे 343 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? और डैश 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 7 to the power 2007 से भी ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा, बात करें फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स। अब जो बेटा इसके फैक्टर्स है ना, एक्चुअली इसके फैक्टर्स जीपी में है, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जीपी में इसके फैक्टर्स हैं, तो जब जीपी में फैक्टर्स होते हैं पता कैसे चलता है? जीपी में सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करोगे, थर्ड वाले को सेकंड से डिवाइड करोगे, तो वो डिवीज़न जो है ना वो सेम आना चाहिए। तो वो सेम ही आता है, देख लो चाहे आप करके, 7 को 1 से डिवाइड करो 7 है ना, 49 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 7 जे 49, एंड 343 को भी 49 से डिवाइड करोगे तो 7, एंड सो ऑन, ठीक है? तो इनका डिवीज़न हर केस में सेम आ रहा है, ठीक है? और मैंने आपको ये भी बताया बेटा, अब ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ज्योमेट्रिक में तो डिवीज़न सेम आना चाहिए, एंड अर्थमेटिक में डिफरेंस सेम आना चाहिए। डिफरेंस मतलब सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करने पर, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करने पर, एंड फोर्थ में से सेकेंड थर्ड को माइनस करने पर जो डिफरेंस आता है वो सेम आना चाहिए। नाउ हम लोगों से ना ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम पूछा था। तो बेटा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की अगर मैं जनरल टर्म लिखता हूँ तो वो है एस एन, एस मतलब सम, एन मतलब एन टर्म तक का। एस मतलब क्या हुआ बेटा? सम, एन मतलब एन टर्म तक का जो सम है। तो उसके लिए क्या है जनरल टर्म? ए कॉमा अगर ए आर और डैश 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 जितनी भी पावर है माइनस वन, ठीक है? जितनी भी पावर है माइनस वन, तो इसका हम लोगों को सम निकालना है, ठीक है? तो दो फॉर्मूले होते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। जब r 1 से बड़ा हो तो वो आगे आ जाता है, जब 1 से छोटा होता है तो वो पीछे की तरफ चला जाता है। बस ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना? फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। a a क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, r हमारा क्या है डिवीज़न, n का क्या है हमारा जहाँ तक हम लोगों को निकालना। जैसे अगर हमें थर्ड टर्म तक निकालना होता तो n की जगह 3 लिख देते, ठीक है? माइनस वन, n की जगह 3 नहीं लिखते, एक्चुअली n की जगह 4 लिखते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि n माइनस वन है, तो अगर थर्ड है तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा? थर्ड माइनस वन, ठीक है? थर्ड जैसे थर्ड निकालना है तो फिर हो जाता 4 माइनस 1, तभी तो थर्ड आएगा। जब 4 में से -1 करोगे तभी तो 3 आएगा ना, तो हमें क्या निकालना पड़ता है फिर यहाँ पे? 4 तक, ठीक? तो हम लोगों ने भी क्या किया ना, अपने क्वेश्चन को इसी में चेंज कर लिया, इसी फॉर्म में। ये जो फॉर्म जनरल फॉर्म यहाँ पे हमारे पास मैंशनड है, इसी में हमने चेंज किया। तो फर्स्ट टर्म हमारी 1, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 49, एंड डैश 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 यहाँ पे देखो n माइनस वन है। हमारे पास n था 2007, तो अगर मुझे 2007 है, एक मिनट स्क्रीन ऑफ हो गई, 2007 है तो अगर मुझे 2007 चाहिए तो 2008 में से ही तो मुझे 1 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 2007 आएगा। तो मतलब मुझे अगर 2007 टर्म का सम निकालना है ना, तो मुझे उसको 2008 माइनस 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे सब कुछ निकाल के दिखा दिया आपको, R कैसे निकला इसका। R देख रहे होंगे, R1 निकाला मतलब सेकेंड में से फर्स्ट डिवाइड किया, R2 सेम आ रहा था। दो में से दो या तीन में पता चल जाता है कि ये GP होगी या FP होगी, ठीक है? तो सेम आ गया ये। तो R हमारे पास हो गया 7, फर्स्ट टर्म हमारे पास हो गई 1, बस इसमें अपनी वैल्यूज पुट कर दी हमने, A की जगह पे 1, ठीक है? A की जगह पे 1 पुट कर दिया, R की जगह पे 7, पावर n 2008 माइनस 1, ऐसे ही आर माइनस 1, तो ये हो गया 7 to the power 2008 माइनस 1 अपॉन 6, यही हमारा आंसर है। श्रद्धा बेटा समझ में आया? यस सर। सबको समझ में आया बेटा? किसी को कोई डाउट है इसमें?
ये श्रद्धा वाला, श्रद्धा बेटा ये आपका डाउट तो क्लियर हो गया ना, नाइन्थ वाला जो आपने मेरे से पूछा था, ये तो नंदनी का डाउट भी यही था बिल्कुल। यस सर। ठीक है, अब बेटा कृष्णा के डाउट्स ले लेते हैं थोड़े, कृष्णा ने भी डाउट्स पूछे थे मेरे से, कृष्णा के मैं डाउट्स ले लेता हूँ। हाँ बेटा, सर इसी के नीचे एक क्वेश्चन था, उसमें भी मतलब ये जीपी सी फैक्टर्स का मतलब प्रोडक्ट पूछा था उसमें, प्रोडक्ट बताना था। यस सर। करके देखना एक बार खुद से, ठीक है, हो जाएगा, नहीं होगा फिर मैं बताऊंगा। ठीक है बेटा, उसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस आप लगा के देखना एक बार थोड़ा सा, ठीक है, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, एक बार कोशिश करना उसको। कृष्णा ने बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कृष्णा बेटा सारे बताने हैं आपको। हेलो कृष्णा बेटा, कौन से बताने, कहाँ से? 13 से लेके पूरे 21 तक बताने बेटा। ओके ओके, तो बेटा हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे इसको, है ना, मेरे गले की ना बैंड बच चुकी है। बोला जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है 13 वाला, बोला द इफ द स्क्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द जीरोज, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 49 प्लस 45 इज इक्वल टू 144, फाइंड द वैल्यू। इसके बाद संचित के डाउट है, ठीक है बेटा, संचित ऑफ पी, ये क्वेश्चन है बेटा। बोला अगर इन ये जो है ना, ये जो नीचे की तरफ पॉलिनोमियल दिए हैं, इसके जीरो का स्क्वायर करके डिफरेंस करें तो वो 44 के इक्वल आता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, तो पी की वैल्यू बतानी है। तो बेटा देखो, सबसे पहले जीरो निकाल लेते हैं हम, है ना, सम ऑफ जीरोज। तो मान लिया हमने अल्फा और बीटा इसके जीरो थे, लेट अल्फा बीटा इट्स जीरोज, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन है हम लोगों का, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तो हमने लेट कर लिया अल्फा बीटा इसके जीरो है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है बेटा, माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा इंटू बीटा वो होता है बेटा क्या, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमसे बोला गया है कि इसके जीरो का स्क्वायर का सम, स्क्वायर का डिफरेंस, तो मतलब इसके जीरोज यही तो हैं अल्फा और बीटा, तो उनका स्क्वायर कर दिया उनका डिफरेंस, ठीक है। तो उनका डिफरेंस हम, हमें दिया हुआ है 144 के इक्वल है, तो हमसे ना पी की वैल्यू पूछी है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम करेंगे, देखो अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को लिख सकता हूँ बेटा, अल्फा इन प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा लिख सकता हूँ। हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू है ये री अल्फा माइनस बीटा की नहीं है, तो ना हम इसके बाद एक स्टेप लिखेंगे यहाँ पर, वहाँ पे देखो अल्फा माइनस बीटा हम लोग निकाल रहे हैं, तो अल्फा माइनस बीटा होता है बेटा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस, एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा प्लस प्लस करेंगे प्लस फोर अल्फा बीटा, फोर अल्फा बीटा, हाँ ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग पुट कर देते हैं, देखो कृष्णा ये आया कैसे, अब मेन चीज़ है ना यहाँ तक पहुँचना, अगर इतना कृष्णा को पहले पता होता तो फिर वो सीधा निकाल ही नहीं देता। तो बेटा देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का, वो आपको पता है क्या होता है बेटा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक। हमारे पास आप देख पा रहे होंगे बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, तो मैं ये क्या करता हूँ ना, इसको अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर में चेंज कर देता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में मुझे चेंज करने के लिए प्लस टू अल्फा बीटा मुझे ऐड करना है एंड टू
टू अल्फा बीटा ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना है ना। जो भी हम अपनी तरफ से ऐड करते हैं उसको फिर बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक और ये मिलके बन गए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। यही तो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा, एंड माइनस अल्फा बीटा हो गया माइनस का फोर अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर की तरफ चढ़ जाएगा रूट। तो इस तरह से वो फॉर्मूला आता है जो मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है बेटा। तो हम लोग ना इतना कुछ नहीं लिखते तो डायरेक्टली सीधा इसको लिख देते हैं, ठीक। तो अल्फा माइनस बीटा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस का पी का स्क्वायर माइनस फोर इंटू अल्फा प्लस बीटा। आप अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा बेटा, 45। तो यहाँ से लिख दिया हमने माइनस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 20 एंड 180। तो अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 180। तो बेटा बस इसको यहाँ पे पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, इसे इक्वेशन वन बना के पुट इन वन, पुट इन इक्वेशन वन, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा है हमारे पास माइनस पी, है ना। वन में पुट कर रहे हैं इसको हम, वन पे जो अभी भी ये वैल्यूज़ लिखी है ना वहाँ पे पुट कर दो इसको। तो अल्फा प्लस बीटा तो है हमारे पास माइनस पी इंटू अल्फा माइनस बीटा आ गया पी स्क्वायर माइनस 180 एंड इक्वल्स टू 144। ये आ गया हमारे पास। तो हम लोगों को पहले अंडर रूट ख़त्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक मिनट, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए संदीप जी। हाँ, अच्छा मैं ये कह रहा था ना मेरी पिंग बहुत ज़्यादा हाई आती है। हाँ